की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पलामू जिले के नौडीहा बाजार प्रखंड पंचायत करकटा अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय गम्हरियाडी के एकमात्र पहला वर्ग से आठवां वर्ग तक विद्यालय है। प्रधानाध्यापक नरेश प्रसाद के प्रभार लेने के बाद विद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कुल बच्चों का एडमिशन 250 से उपस्थित दर 155 रहता है। विद्यालय में विकासखंड से जो भी 75,000 आए, अध्यक्ष और सचिव बिचौलियों की मिलीभगत से आधे अधूरे काम कर पूरी राशि गमन कर ली गई। विद्यालय में पेंट और कोचारा एवं टूटे फूटे बेंच और विद्यालय में पर्स लाइट पंखा भी मरम्मत नहीं किया गया। विद्यालय की स्थिति जर्जर पड़ी हुई है। वहीं जैसे तैसे तो भोजन तो पकता है, पर मेन्यू चार्ट से 3 माह से बच्चों को सेव बिस्कुट अंडा आदि नहीं मिलते। विद्यालय में 5 शिक्षक होने से सुचारू रूप से रूटीन के तहत बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक आते हैं और हाजिरी बनाकर मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाते हैं। जो विद्यालय में भोजन के लिए चावल सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वो किसी निजी के घर चावल रहता है और गमन किया जाता है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय तो बनाया गया, अब तक शौच के लिए लड़का लड़की बाहर जाने को विवश हैं। वहीं जर्जर व खराब स्थिति में शौचालय हैं। एक तरफ सरकार के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उधर विद्यालय के आसपास गंदगी से अंबार लगा है। बच्चे जमीन पर बैठने पर विवश हैं। जब प्रधानाध्यापक नरेश प्रसाद से पूछताछ की तो उन्होंने संतोषजनक जवाब न देते हुए शिक्षक पर राजनीतिक और मनमानी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रखंड में लिखित शिकायत करने के बावजूद भी अब तक विद्यालय में सुचारू रूप से सुधार नहीं किया गया है। वहीं विद्यालय में प्रबंधन समिति का 3 वर्ष 3 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराया गया। बिचौलिए गिरी के सहारे चल रहा है बच्चों का भविष्य। जब इस विषय में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कृष्णकांत द्विवेदी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि सभी बिंदुओं का जांच का विषय है, जांच कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या है जी? कौन क्लास में पढ़ती है? कौन विद्यालय में पढ़ती? अच्छा, यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? रूटीन के तहत भोजन मिलता है? अंडा उगरा, अंडा से उगरा नहीं मिलता। सोच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? शौचालय के लिए बाहर। यहाँ बैठने के लिए बेंच और पंखाओं का है? नहीं सर। नहीं है। शौचालय के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मुनी बाहर जाते हैं। पढ़ाई अच्छा होता है? नहीं होता है। पढ़ाई अच्छा होता है? मुनी नहीं होता है। खाना मिलता है अच्छा? नहीं मिलता। नाम क्या है? नाम क्या है? राहुल कुमार। पढ़ाई अच्छा होता है विद्यालय में छोटू? अच्छा, नीचे क्यों बैठा है तुम लोग? बेंच नहीं है। बेंच नहीं है? सर से कहता है कि बेंच पर बैठाई है तो क्या बोलते हैं? कहते हैं कि बेंच नहीं है। बेंच नहीं है? नहीं। खाना मिलता है? अंडा उगरा नहीं, सेव नहीं। कुछ भी नहीं, खाली दाल भात बस, इतना ही मिलता। पढ़ाई हो जाए अच्छा? नहीं होता। नाम क्या है? राम कुमार। कौन सा विद्यालय में पढ़ता है? राजकीय विद्यालय गम्हरियाडी। कौन क्लास में? पांचवा। यहाँ सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? नहीं सर। शिक्षक पढ़ाते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि हम खाना हाजिर बनाकर खाना खाने चल जाते हैं, मोबाइल देखते हैं बैठकर मोबाइल देखते हैं सर। पढ़ाते नहीं हैं? नहीं सर। यहाँ अंडा भोजन मिलता है? नहीं सर। नहीं मिलता? नहीं सर। रूम में पंखा उंखा है? नहीं सर। नहीं है? नहीं सर। यहाँ बैठने का बेंच सुविधा नहीं है सर। नहीं है? नहीं है सर। सोच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? शौचालय के लिए? शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है? यहाँ विद्यालय में बहुत ज्यादा गंदगी, छोटू साफ सुथरा नहीं होता है? नहीं सर। नहीं होता है? नहीं सर। नाम क्या है? मुनी। पढ़ाई अच्छा होता है विद्यालय में? भोजन में अंडा से उगरा मिलता है? नहीं मिलता। बैठने की व्यवस्था अच्छा है? बेंच उगरा नहीं। लाइट वगैरह रहता है? पंखा चलता है? नहीं चलता। पढ़ाई होता है अच्छा? कितने शिक्षक है विद्यालय में? 5। पढ़ाई अच्छा नहीं होता? नहीं। सोच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। सोच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अपनी बाहर जाना पड़ता है। पढ़ाई अच्छा होता है? नहीं। समय पर भोजन मिलता है? नहीं सर। यहाँ बच्चों को पढ़ाई अच्छा से होता है विद्यालय में? नहीं होता। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक 5 है। यहाँ मेनू चार्ट से भोजन बनता है या अंडा वगैरह सेव वगैरह मिलता है? पहले मिलता था, जोगिंदर सर के सामने भी मिलता था, अभी भी मतलब
दो चार महीना से पहले नहीं मिला है, अभी यहाँ शौच के लिए बच्चा बाहर जाता है, शौच के लिए बाहर पीछे है शौचालय, उधर जाता है सर। शौचालय का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब गंदा उंदा था तो साफ सफाई किया, मतलब किया जाता है जी। बच्चों का कहना है कि समय पर पढ़ाई नहीं होता है, मेनू चार्ट से नहीं होता है, क्या सही गलत है गुरुदेव? पढ़ाई होता है मेनू चार्ट के तहत, बच्चों का सूची के तहत मेनू से थोड़ा सा जो मध्यान भोजन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं जी, थोड़ा सा सचिव का ये लापरवाही कहिए जी, या इनके पास साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इसी के वजह से। अभी नए हैं तो इनका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा जी। चलो थोड़ा यहाँ बच्चों का कितना उपस्थिति है सर? उपस्थिति तो है आपका 150 से ऊपर जी। नामांकन कितना है? 245-46 जी। मेनू चार्ट से यहाँ भोजन नहीं मिलता? मेनू चार्ट से मिलता है सर, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति खराब है जी। कितने शिक्षक हैं इस विद्यालय में? जी विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? पाँच हैं। आप इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, कब प्रभार मिला आपका? मेरा सर जी, जब से विद्यालय में प्रभार मिला 75,000 राशि मिला, कितना विद्यालय के ऊपर खर्च किए? विद्यालय में पंखा नहीं है, टूटा फूटा है सारा चीज़, लाइट वगैरह नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, बच्चा नीचे बैठता है, बेंच वगैरह नहीं है, क्या सही गलत है? बेंच तो पूरा विद्यालय में सर एडवांस गंजल है, एडवांस बेंच की कमी कहूँ नहीं। मैंने पाया कि बच्चा नीचे बैठा हुआ है। नहीं सर, जो हो गया है कर दिए हैं। सोच के लिए बच्चा बाहर जाना पड़ता है, क्या सही गलत? बच्चा सोच के लिए बाहर जाता है, बच्ची लोग है हाथ में शौचालय का हुआ है, और वो लोग भी जो बंदी के कारण भी तोड़ फोड़ कर दिया है लोग, यहाँ क्षतिग्रस्त कर दिया है, यहाँ में कंप्लेन। इस विद्यालय में कितना शिक्षक हैं? पाँच हैं। सुचारू रूप से बच्चा लोग कहा कि सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं होता है, अच्छा भोजन नहीं बनता है, मेनू चार्ट से भोजन नहीं बनता, अंडा से वगैरह नहीं मिलता है, क्या सही है? हाँ सर, अंडा पहले लो नहीं मिला था, पैसा हम लोग नहीं था, लेकिन अब बोले हैं आ गया है, अब अंडा चालू हो गया है जी। अब आज से चालू हुआ है, पहले नहीं मिलता था? नहीं, पहले अंडा का पैसा आल था जी, आल था, लेकिन अलाउ कहें कि नहीं सब तो आपको ऑर्डर मिलेगा तो चलाइएगा, अभी पहले पीछे वाला। सबसे बड़ा है गुरुजी कि इस विद्यालय में साफ सुथरा नहीं होता है। साफ सुथरा तो डेली हो रहा है।